सिन्हा, वक्त है 10 मिनट में 100 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। नोएडा में एक फैक्ट्री में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह शख्स दिल्ली का रहने वाला है। खबर सामने आने के बाद पूरी फैक्ट्री के कर्मचारियों को निगरानी में रखा गया है। संजय शाह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। संजय, ये कौन सी फैक्ट्री है, इस व्यक्ति को कैसे संक्रमण हुआ, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी सुशांत जी, फैक्ट्री को तो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। नोएडा के फेस 2 इलाके में ये फैक्ट्री स्थित है और ये जिस व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, ये अभी हाल ही में फ्रांस और चीन से लौटे थे, जिसके बाद ये आज सुबह अभी पॉजिटिव पाया गया है। इनके ये दिल्ली के रहने वाले हैं। उसके बाद जो तकरीबन 700 लोग पूरी फैक्ट्री में काम करते हैं, सभी लोगों को सर्विलांस पे रखा गया है और पूरी फैक्ट्री को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि बाकी लोगों पर संक्रमण फैलने से रोका जा सके। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम फैक्ट्री में पहुंची हुई है और सभी कर्मचारियों पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये बताया गया है कि अभी थोड़े दिन पहले ही ये चीन और फ्रांस के दौरे पर थे कंपनी के काम से, और लौटने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद सैंपल लिया गया था, सैंपल में इनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी सुशांत, ठीक है। और जानकारी ये मिल रही है कि ये विदेश से आए थे, कंपनी के काम से बाहर गए हुए थे, उनके वापस लौटने के बाद इनकी जांच की गई, लक्षण मिलने के बाद तो उसमें कोरोना का पॉजिटिव केस पाया गया है। फैक्ट्री के सभी कर्मचारी अब जो हैं उनको निगरानी में रखा जा रहा है। ये व्यक्ति चीन से लौटा था ये बताया जा रहा है, और 700 के करीब जो काम करते हैं कर्मचारी उस फैक्ट्री में, उन सबको निगरानी में रखा जा रहा है ये बताया जा रहा है। क्या संजय शाह इस बात को लेकर भी जानकारी है कि ये व्यक्ति सिर्फ कर्मचारियों के संपर्क में आया या फिर और कहां कहां गया? दिल्ली में ही था, नोएडा में ही था, कहीं और भी गया? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग इनकी पूरी हिस्ट्री की जांच कर रहा है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिली है कि ये भी कंपनी के काम से चीन और फ्रांस के दौरे पर थे, और उसके बाद जब ये वापस लौटे थे तो इनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद इनका सैंपल लिया गया था और जांच की जा रही थी। जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब एक्शन लिया है कि पूरी फैक्ट्री को सर्विलांस पे लिया है, सभी कर्मचारियों पे पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। तकरीबन 700 कर्मचारी इस फैक्ट्री में काम, ठीक है संजय, यानी अभी एहतियातन सारे कर्मचारियों को निगरानी में रखा गया है, इस व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है नोएडा की एक फैक्ट्री में।